प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में। ये क्लास हमारी रहेगी वर्कशीट नंबर 42, डेट 9 अक्टूबर, क्लास 10, सब्जेक्ट हिंदी। और मेन जो चीज़ है वो हमारा वाच्य। तो वाच्य आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास आपके लिए होने वाली इंटरेस्टिंग, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो, कोशिश करता हूँ मैं आपके लिए हर टॉपिक की वीडियो लेकर के। बस आप बंक नहीं करनी है आपने, क्योंकि बंक करने वाले बच्चों से आशीष सर बहुत नफरत करते हैं। तो पूरी वीडियो जरूर देखिए, साथ में आपको ये जो वाच्य के एग्जांपल है ना, वो शब्द भंडार से तो जुड़े हैं, साथ में समसामयिक परिवेश से जोड़ने की कोशिश की है। तो एग्जांपल भी आपके लिए बहुत ही मज़ेदार हैं। बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका जो लाइक है ना, वो हमें और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, हमें और मज़ा आता है वीडियो बनाने में। बस ब्लैक से ब्लू कर दीजिए ऊपर अंगूठे वाला निशान। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को एक्सप्लेन करना। तो प्यारे बच्चों, चलिए इन तीन पिक्चर को देख लेते हैं वाच्य को समझने के लिए। पहली पिक्चर में ये आदमी भाग रहा है, यानी कि जा रहा है। दूसरे पिक्चर में भाग रहा है, लेकिन ये ट्रेन से जा रहा है, भाग रहा है। तीसरे में देखो, ये भाग रहा है लेकिन क्रॉस है, भाग नहीं पा रहा है, जा नहीं पा रहा है। तो तीनों में क्रिया कौन सी है? एक ही है, जाने की। लेकिन यहाँ पर उनके रूप या विषय की प्रधानता अलग अलग है, यानी कि पहले में कुछ और, पहले में वो जा रहा है, दूसरे में ट्रेन से जा रहा है, और तीसरे में उसे जाया नहीं जा रहा है। तो देखो, सेम काम है लेकिन अलग अलग टाइप से हो रहा है, तो यही आपका अलग अलग टाइप क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। वाच्य का मतलब होता है तरीका, ठीक है, बोलने का तरीका। एक ही चीज़ है, हम डिफरेंट टाइप का उसे बोलते हैं। तो यही आज हम यहाँ पे सीखेंगे। इस वीडियो में आपको जरूरत पड़ेगी कर्तृ, सकर्मक और अकर्मक क्रिया की। आपको ये वाली वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे आप इसी वीडियो को देखने के बाद उसे भी देख सकते हैं। साथ में आपको जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम आज कर्तृवाच्य की बात करेंगे, तो आपको अगर तीनों वाच्य एक साथ पढ़ने हैं तो भी आपको लिंक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम आज की बात कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखो कि जब मेन चीज़ आप समझ जाइए कि वाक्य में कौन प्रधान है, कौन मेन है, करता है तो कर्तृवाच्य, कर्म है तो कर्मवाच्य, भाव है तो भाववाच्य। यानी कि जब आप शादी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर मेन कौन होता है? दूल्हा होता है, दुल्हन होती है ना। स्कूल में कौन मेन होता है? प्रिंसिपल मेन होते हैं, यानी कि उनके ऊपर। तो जो भी कुछ है मेन, प्रधान, हेड कौन है? तो बस यही हेड आपने देखना है इसमें भी। और हम बात करते हैं आज इसके, तो तीन भेद होते हैं, ये आपने पढ़ने हैं कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आज हम बात करने वाले सिर्फ कर्तृवाच्य पे। तो चलिए कर्तृवाच्य को समझ जाइए कि जहाँ पर जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, यानी कि दूल्हा कौन हो? कर्ता हो, तो वहाँ पर वो कर्तृवाच्य। अब यहाँ पर और समझ जाइए कि क्रिया का असर किस पर हो, तो वो जब कर्ता पर पड़े तो वहाँ पर कर्तृवाच्य। अब ये कर्तृवाच्य जो है, ये सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकते हैं। सकर्मक और अकर्मक आपको तभी समझ में आएगा जब आप उस वीडियो को देखोगे, लेकिन इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि आपको उसके बाद बहुत हेल्प इस वीडियो में मिलने वाली है। एक और चीज़ है कि जब आप कर्तृवाच्य के सेंटेंस बनाते हैं तो ये वाले चिन्ह आपके नहीं आते, से के नो, ये सारे चीज़ सिर्फ आ सकता है तो कौन सा नहीं आ सकता है, क्लियर है? जैसे राम ने खाना खाया, तो कर्तृवाच्य के सेंटेंस किस तरह से होंगे वो मैं आपके लिए, यहाँ पर आपने 10 जो सेंटेंस है वो बनाने हैं। और यहाँ पर इन्होंने आपके लिए ये शब्द भंडार भी दे रखे, यानी कि इन्हीं शब्दों से आप क्या बनाओगे, अपने सेंटेंस बनाओगे। तो ये शब्द आपके 10 हैं, 10 ही सेंटेंस हैं, यानी कि एक सेंटेंस में एक शब्द आपको इंक्लूड करना ही करना है। तो चलिए मैं आपको सीधा सेंटेंस की तरफ ले चलता हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये है आपके लिए वो 10 सेंटेंस जिन्हें आपने आज की वर्कशीट में करना है। तो ये सारे 10 के 10 मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं, आप इन्हें एज इट इज उतारेंगे नहीं, और उतार लेंगे इसमें क्या क्या आपको चेंजेस करना है वो भी आप इस वीडियो में समझ रहे हैं अभी। साथ में सबसे मेन चीज़ है कि आपने ये समझना है कि आखिर ये सेंटेंस कर्तृवाच्य के कैसे हैं, कैसे आप पहचान करोगे कि ये सेंटेंस आपका कर्तृवाच्य वाला ही है, क्योंकि आपको चेंज करने के लिए आएगा, पहचान करने के लिए एग्जाम में आता है, वहां पर आप कंफ्यूज होते हो। जब तक आप समझ आपको अच्छे से नहीं आया तो आपको प्रॉब्लम में बनी रहेगी। तो देखो, सबसे पहली चीज तो यहां पर ये आपने नोट करना है कि जो भी आपको शब्द भंडार में शब्द दे रखे थे 10, वो यहां पर मैंने इंक्लूड कर रखे। कैसे? देखो, पुस्तक पहला था पहले सेंटेंस में, उसके बाद खाता दूसरे में, ने को तीसरे में, बनाता चौथे में, इस तरह से विद्यालय सारे 10 के 10 रखे हैं, क्लियर है? पहली चीज आपने ये ध्यान देनी है।
दूसरी चीज ये ध्यान देनी है कि आपने यहाँ पर देखो, मैं पुस्तक पढ़ना पसंद करता हूँ। अब ये कर्तृवाचक का सेंटेंस कैसे है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि कर्तृवाचक की पहचान होती है कि जिस लिंग वचन का कर्ता होगा वही लिंग वही वचन वही आपका क्रिया भी होगी। अब देखो, अगर यहाँ पर मैं की जगह किसी लड़की का नाम आ जाए, है ना, यहाँ पर सीता आ जाए, गीता आ जाए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीता पुस्तक पढ़ना पसंद करती है। क्लियर हो गया ना आपको, बस आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्रिया आपकी रहेगी। आप ये चेक करेंगे कर्तृवाच्य में। दूसरा है कि कर्ता अगर एक वचन है तो यहाँ पर क्रिया भी एक वचन की होगी। अब आप देख लो कि यहाँ पर मैं पुस्तक पढ़ना पसंद करता हूँ, तो मैं कौन है, एक वचन है, तो कर्ता भी एक वचन ही होगा। दूसरी चीज देखो, अगर मैं की जगह अब हम लिख दो कि हम पुस्तक, पुस्तक शब्द पे चेंज नहीं करना, पुस्तक पढ़ना पसंद, और यहाँ पे आ जाएगा करते, क्योंकि हम बहुवचन है करते, ठीक है, तो लिंग कौन सा है वही यहाँ पर होगा, इसके अकॉर्डिंग ही ये चलेगा। तो क्लियर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कर्तृवाचक मतलब कर्ता के अकॉर्डिंग सारा कुछ चलेगा। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं, और मैंने ये सारी एग्जांपल जो है वो समसामयिक, यानी कि आजकल कोरोना चल रहा है तो आपको इन एग्जांपल से बहुत सीख भी मिलेगी, आप इन्हें ध्यान से पढ़ोगे। अगली चीज देखो, यहाँ पर आपने चेंज क्या करना है, तो जो मैं शब्द है आपका, मैं पुस्तक पढ़ना पसंद करता हूँ, आप इस मैं की जगह अपना नाम जोड़ दोगे। क्लियर समझ में आ गया, तो जैसे आपने मैं की जगह राम जोड़ा तो आप यहाँ पर पसंद करता है एज इट इज रहेगा, फिर हूँ रहेगा। लेकिन अगर आप मैं की जगह यहाँ पर आप लिख दो सीता गीता रोहन जो भी है, सीता गीता लड़कियाँ नाम लिख दो, तो यहाँ पर आ जाएगा करती, ये ध्यान रखना है। तीसरी चीज़, आप यहाँ पर मैं की जगह अपना नाम ही जोड़ोगे। अगली चीज़ है, यहाँ पर मैंने सबसे लास्ट में एग्जांपल रखा है कि आशीष बहुत बड़ा कलाकार बनेगा, ठीक है, मेरा नाम आशीष है, मुझे लगता है मैं कलाकार बनूंगा, तो मैंने अपने अपना नाम लिख दिया। आप क्या करोगे, आशीष की जगह अपना नाम लिखोगे, तो जो भी आपका नाम है वो आप लिखोगे, क्योंकि कलाकार आपको बनना है। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि अगर आप लड़का है लड़की है, तो देखो यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा, बनेगा, लड़की है तो बनेगी, आपका नाम चेंज हो गया। उसके बाद देखो कलाकार, तो लड़की होती है कलाकारा। क्लियर समझ में आ गया, बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा, फिर बहुत बड़ी हो जाएगा। तो ये सारे जो चेंजेस हैं वो आपने इसमें करने हैं। मैं भीड़भाड़ वाली जगह नहीं खेलता, तो लड़की है तो अब खेलती। मैं किस जगह आप किसी का नाम लिख दो, किसी का भी नाम लिख दो, मेरा भाई नहीं जाता, या हम नहीं भीड़ भाड़ में, सॉरी, तो खेलता अपना ना, खेलती, तो खेलते, इस तरह से आप खेलता खेलती खेलते आप इसमें जोड़ सकते हो, लिंग और वचन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो आप। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।